हिंदी साहित्य की मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन दबाइए। डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। वो अक्सर चिल्लाते, तुम एक दिन पहले क्यों नहीं आ सकते थे? इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई ये नहीं मानना चाहता था कि आखिरी समय आ गया है और डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। इस कारण वे उनसे डरने भी लगे थे। इस तरह जब ये महापुरुष मरीज के सामने प्रकट होते, तब इस पार या उस पार निर्णय तुरंत करना होता था। अब कोई हिला हवाली से काम नहीं चल सकता था। बहुत समय से डॉक्टरी करने के कारण उनमें एक दृश्य स्पष्टवादिता भी आ गई थी। इस कारण उनकी राय की कद्र भी की जाती थी। अब वो राय देने वाले डॉक्टर मात्र ना रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। उनके शब्दों पर मरीजों की जिंदगी निर्भर रहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर साहब इन सब से परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर जिंदगी बचाई जा सकती है। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। लेकिन जब भी उन्हें उम्मीद की कोई जरा सी भी किरण नजर आती, वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते और चाहे जितने घंटे या दिन भी लग जाएं, वे सब कुछ भूलकर मरीज को यमराज के पंजे से छुड़ा लाने के प्रयत्न में लग जाते थे। आज एक मरीज के सिराने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले एक ऐसे लोगों की जरूरत महसूस हो रही थी, जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढांढस बंधा सके। रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो कि केजी स्कूल से शुरू हुई थी। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, पर प्यार में कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता और अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और इसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके छोटे बेटे को इंतजार करते देखा, तब उन्हें यह याद आया। फिर भी वे घंटे भर तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे, उसके पास जाकर बोले, बेटे क्यों आए हो? लड़का झेपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। बात क्या है? पापा बीमार हैं। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। इसके बाद वे तुरंत लाली एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर के लिए चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिराने जा खड़े हुए और पत्नी से पूछा, ये कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। किसका इलाज चल रहा है? एक पड़ोसी डॉक्टर का, हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। क्या नाम है उसका? ये नाम उन्होंने कभी ना सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ तो बताना था। तुमने खुद क्यों खबर नहीं की? हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना होगा, पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर समझ गया अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बॉक्स खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते पानी में रख दी। पत्नी उन्हें ये सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। अब सवाल मत करिए, डॉक्टर ने जोर से कहा। उसने बच्चों पर नज़र डाली
जो खौलते पानी में सुई को उछलता देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहां रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी में बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंख मूंदने लगी। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं। हालांकि वो भूख से बेहाल थे, उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, इन्हें बिल्कुल मत छेड़ना। बैग उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट में फिर वापस आ गए। साथ में एक नर्स और एक सहायक भी थे। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूंगा। क्यों, क्या हुआ है? पत्नी ने घबरा कर पूछा। बाद में बताऊंगा, अभी तुम लड़कों को यहां छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं वापस मत आना। पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो झूठा साबित होता है। फिर थोड़ी देर सोचते रहे और बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रही तो ये अगले 40 बरस तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात 2 बजे के बाद भी ये इसी तरह चलती रहेगी। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आंखें खोली और डॉक्टर को देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, लेकिन वे चुप बैठे मरीज की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर हैं? बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देती रहिए, 2 चम्मच काफी होगी। पत्नी रसोई घर में चली गई। वो बेचैन हो रही थी। वो चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? दुविधा उसके लिए असह्य हो रही थी। शायद वे मरीज के सामने कुछ ना कहना चाहते हों, इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उसने पूछा, अब ये कैसे हैं? बस तो जाएंगे? डॉक्टर ने होंठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखिए, इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करिए। भय से पत्नी की आंखें फैल गईं। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये कहकर वो कुर्सी में जाकर फिर बैठ गए। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाजा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी, जिससे आवाज बाहर निकलकर ना आ सके। फिर वो कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, क्या आवाज थी? कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूं? मुझसे मत छिपाओ। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी।
इसी कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली, उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ और कितना जीऊँगा, मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है, वो तैयार रखी है। पत्नी से कहो उसे उठा लाए, तुम गवाह के दस्तखत कर देना। डॉक्टर साहब बोले, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन ये कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इस सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल ना पूछा जा सके। मरीज ने अपने कमजोर हाथों से डॉक्टर की कलाई फिर से पकड़ दी और जोर देकर कहने लगा, राम, ये मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहां मेरे पास हो। मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूं। मैं जायदाद का मामला सुलझा कर जाना चाहता हूं, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम सुबैया और उसके लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ। ठीक है, लेकिन जरा ठहरो, डॉक्टर ने उत्तर दिया। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाने चाहिए, नहीं तो वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्या उन्हें अच्छी तरह मालूम थी और सुबैया तथा उनके लोगों को भी वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन इस वक्त वो क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो ये उसकी मौत का परवाना भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण जीवित रहने की उसकी कोशिश एकदम खत्म हो जाएगी। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े, फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए, वसीयत की फिर क्यों जरूरत है? वे बोले, सुनो गोपाल, वो ये पहली दफा वो मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे, झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने। मरीज के ऊपर झुककर वे जरा ज्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। ये सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो ये? तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हां मैं कह रहा हूं, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सब परेशानियां निकाल दो, मैं सवेरे तुमसे मिलूंगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। घर जाते हुए रास्ते में वो अस्पताल में रुके, सहायक को बुलाया और बोले, तुम लॉली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ, दवा की एक ट्यूब साथ लेते जाना, अब किसी भी क्षण वो जा सकता है, कष्ट ज्यादा हो तो ये ट्यूब दे देना, जल्दी करो जाओ। दूसरे दिन 10 बजे वो फिर वहां पहुंच गए। कार से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेजी से गए। मरीज जाग रहा था और ठीक दिख रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उन्होंने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर सुना और उसकी पत्नी से बोले, देवी आप खुश हो जाइए, आपका पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या वो जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा ये पहेली बनी रहेगी कि वो ये हमला कैसे झेल गया। द डॉक्टर्स वर्ड, आर के नारायण।